माई डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दिया है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का न्यू बैच। फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी ऐसे वीडियोस थे जो हमने कंप्लीट नहीं कराए थे ड्यू टू मेनी प्रॉब्लम्स। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस थे कि हम बिजी चल रहे थे, इसलिए कंप्लीट नहीं कराए। बट याद रखिएगा, हम साथ हैं, टेंशन नहीं लेने का। फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत आई, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज हम फिर से वापस आ चुके हैं उसी जोश के साथ। और आपको भी उसी जोश से पढ़ना होगा जिस जोश से हम लोग पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का आज का ये लेक्चर। सबसे पहले आप अगर देखेंगे, आपके जो सिलेबस में दो प्रकार से डिवाइड है थर्मोडायनेमिक्स। एक तो है आपका जीरो एंड फर्स्ट लाप थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा चैप्टर आपका सेकेंड एंड थर्ड लाप थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम जीरो ला एंड फर्स्ट लाप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जीरोथ लाप थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। सीपी एंड सीवी, जिसे आप कहते हो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अंतर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इवन वर्क और इंटरनल एनर्जी तक बारे में भी बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बात करेंगे। काफी लंबा टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। हो सकता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, मतलब दो लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। लंबा वीडियो चलने वाला है, आप लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि सिंपल है बट कुछ भी नहीं है, आप लोग लगातार बने रहिएगा, आपको हम सब कुछ समझा देंगे। सबसे पहले आप लोग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? अगर आपसे पूछा जाए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या? हालांकि क्लास 12th में 11th में आप लोग पढ़ के आओ थर्मोडायनेमिक्स, कोई ऐसी बात नहीं। कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड टेम्परेचर एंड एनर्जी। पहले ये समझ लो थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में बना है, एक तो हमारा थर्मो, दूसरा हमारा डायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर किस प्रकार, डायनेमिक मतलब चलना होता है, मूवेबल। टेम्परेचर ऐसे तो चलेगा नहीं हमारी तरह, ट्रांसफर होगा टेम्परेचर का। तो जो टेम्परेचर का ट्रांसफर एग्जैक्टली होता है इन टर्म ऑफ हीट, इन टर्म ऑफ एनर्जी, इन टर्म ऑफ वर्क, वही हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, वही हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। तभी तो हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, स्टडी है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का रिलेशन है, वर्क हीट एनर्जी, वर्क हीट एनर्जी मतलब वर्क में, हीट में, एनर्जी में क्या कुछ रिलेशन है, वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। वो सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम मेनली तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इन थर्मोडायनेमिक्स वी डिस्कस अबाउट थ्री टाइप्स। जैसे क्या होते हैं, एक हम सराउंडिंग पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, सब चीज हम जानेंगे, ठीक। सिस्टम हालांकि तीन प्रकार के, तो मेनली जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे सिस्टम पर ही पढ़ेंगे, सिस्टम पर टोटल हम बात करेंगे। जैसे समझो पहले सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। सिस्टम कई लोग सोचते हैं कि मान लीजिए कोई एक प्रकार का इस प्रकार का सिस्टम रख दिया गया है, कुछ भी कांच का बनाकर रख दिया वही सिस्टम, नहीं, दिस इज नॉट ए सिस्टम। इस पूरे यूनिवर्स में, समझिएगा, पूरे यूनिवर्स में हम जिस पर स्टडी करते हैं, जिस पार्टिकुलर पॉइंट्स पर हम स्टडी करते हैं, वो हमारा कहलाता है सिस्टम। जैसे ये आपका रूम हो गया, रूम में स्पेसिफिक आपकी ये पानी की बॉटल हो गई। अब ये पानी की बॉटल ऐसा नहीं है कि यही सिस्टम है। हम मान लो इतने एरिया में, ये जो सामने दिख रहा है इतने एरिया में कुछ कड़ है, उस पर हम स्टडी करने लगे, वो जो एरिया जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम। और ये जो बाउंड्री होती है ये इमेजिनरी भी होती है, रियल भी होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जस्ट ज्यादातर इमेजिनरी ही होती है, रिजिड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। स्पेसिफिक सभी के बारे में हम बताएंगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, टेंशन मत लो।
एक भी पॉइंट अगर छूट गया ना, लिख के मैं दे रहा हूं कि मैं फ्री में पढ़ा ही रहा हूं, फ्री में आपको फिर से रिवीजन करा दूंगा, टेंशन ना लो। अगर एक भी पॉइंट छूटा तो आप बता देना कि नहीं समझ में आया। लेकिन जब यहां से पढ़ के आप जाओगे, जितने नए स्टूडेंट देख रहे हैं, पुराने स्टूडेंट तो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहां से जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर पढ़ के जाओगे ना, आपको थर्मोडायनेमिक्स याद ही नहीं होगी, फील होगी, आप देख पाओगे एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है। अब बात करते हैं सिस्टम की। जैसा कि मैंने बताया, सिस्टम भी हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे। जैसे हमारा क्या होता है, ओपन सिस्टम, नेक्स्ट हमारा क्लोज्ड सिस्टम, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हम बात करेंगे सराउंडिंग की, फिर हम बात करेंगे बाउंड्री की। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो रहा है सबको? सब लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। नाउ अब आप हेडिंग डालेंगे सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम, जैसे मैंने बताया, इस यूनिवर्स में थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन जिस पर हम करते हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा हम जिस पर कंसिडर करते हैं, मानते हैं, तो यही लिखेंगे हम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। समझना ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, the part of the universe for thermodynamic system, thermodynamic consideration, universe का ऐसा part जिसको हम thermodynamical consideration करते हैं। पूरी universe आप मान लीजिए, universe का कोई सा भी part जिसे हम thermodynamically मानते हैं। thermodynamics पढ़ रहे हो तो किसके अनुसार मानोगे, thermodynamics के अनुसार, thermodynamically मानोगे उसे, तो पूरे यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसे हम थर्मोडायनेमिकली कंसीडर करते हैं, कॉल्ड सिस्टम, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। क्लियर हो रहा है सबको, बातें समझ में आई? पूरे यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिस पर हम थर्मोडायनेमिकल कंसीडरेशन करते हैं, या जिसे हम चूज करते हैं, जिस पर हम स्टडी करते हैं। आप अपनी भाषा में लिख लो, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एट विच वी स्टडी थर्मोडायनेमिकली, जिसे हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी जिस पर करते हैं, बस। परिभाषा कभी याद नहीं की जाती, वो सिर्फ ये है कि सिर्फ आपको आनी चाहिए, चीजें फील होनी चाहिए। अगर आपसे कोई सिस्टम पूछ लिया तो आप इसको याद मत करो, फील कर लो, अरे भाई थर्मोडायनेमिकली जिस पर हम बात करेंगे वही हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, बस। सिस्टम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज्ड सिस्टम, एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है यहां तक? ये तो पहले ही बता दिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जो सिस्टम होता है वो तीन प्रकार का हो सकता है। अब समझना, इस बात को समझना, पहले आप कोई थर्मोडायनेमिकली हटा दो, फिजिकल में बात करो, हम यहां पर कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, फिजिकली बात करें। अब आओ समझते हैं, आपको अगर कह दिया जाए अपने घर में तीन प्रकार का सिस्टम लाना है, मतलब जैसे कोई बर्तन मान लो, या बॉटल मान लो, पानी की नॉर्मल कोई बॉटल मान लो, आपको कोई बॉटल लानी, तीन प्रकार की बॉटल लानी है आपको, कैसे कैसे बॉटल ला सकते हो ये पहले बताओ। आपको अगर तीन बॉटल लानी पड़ेगी, आप कैसे ला सकते हो? एक बॉटल तो आप वो लाओगे जो कि ओपन होगी बॉटल, वहां से आप पानी डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, ठीक है। आप उसमें जैसे चाय वगैरह डाल दिए, चाय ठंडी भी हो जाएगी, चाय भाप की तरह उड़ भी जाएगी, एक वैसी बॉटल लाओगे। एक आप पैक बॉटल लाओगे जो कि उस पर कैप वगैरह लगे होंगे, ढक्कन लगा होगा उस पर,
अब क्या हो सकता है कि चाय अगर उसमें डालोगे, चाय ठंडी तो होगी बट वो बाहर नहीं जा पाएगी, वो जो गैस के रूप में, भाप के रूप में बाहर जाने की कोशिश करेगी, वो कैप से टकरा के अंदर आ जाएगी। दो प्रकार के सिस्टम हो गए। एक आप थर्मस लेकर आओगे। थर्मस में क्या होता है, हीट नहीं बाहर जा सकती, ना तो वो चाय बाहर जा सकती है, भाप के रूप में बाहर तो उड़ नहीं सकती, पहली चीज। अब थर्मस में आप डालते हो कोई भी आप लिक्विड डाल दो, या जैसे चाय ही मान लो, चाय ठंडी होती है, नहीं होती ना, उसके लिए एक लिमिटेशन होती है, सभी की एक लिमिटेशन, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लिमिट होता है। हालांकि कई ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि 4-4, 6-6 साल, 10-10 साल, 20-20 साल तक ऐसे सेम बनाए रख सकते हैं, बट आफ्टर इट वो लिमिट है। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कुछ नहीं होता, ये बताया जाता है कि परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। ये परफेक्ट हो सकता है, ये परफेक्ट, परफेक्ट क्या मतलब, खुला बॉटल है तो उसमें परफेक्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट ही होगा ना, ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, अब हम बारी बारी से चर्चा करते हैं, आपने किस किस प्रकार की बॉटल लाई। एक तो ओपन बॉटल लेकर चले आए, ओपन बॉटल में क्या हो रहा था, चाय बाहर भी जा रही थी भाप के रूप में, चाय ठंडी भी हो रही थी, गर्म चाय रखे थे, तो मतलब इसमें हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है एंड मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में। ठीक है, द सिस्टम ऐसा सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ बोथ हीट एंड मैटर लिखो या मास लिखो, कई बुक मैटर लिखती, कई बुक मास लिखती है, ठीक है, मास एक्सचेंज हो सके, दोनों, क्या हीट भी एक्सचेंज हो सके एंड मास भी एक्सचेंज हो सके। ठीक है, हीट एंड मास विथ किसके साथ एक्सचेंज होगा, विथ सराउंडिंग नोन एज ओपन सिस्टम। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा सिस्टम जो कि सराउंडिंग से मास का भी एक्सचेंज करता हो, चाहे भाप बन के उड़ रही है, चाहे ठंडी भी हो रही, हीट का भी एक्सचेंज करता हो, ऐसे सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, ओपन सिस्टम। बातें क्लियर हो रही है सबको, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब इसको अगर हम फिगर के द्वारा बताएं कि ये कुछ सिस्टम ऐसा होगा, ये हमारा सिस्टम है, ये बाहर का हमारा सराउंडिंग है और ये हमारी बाउंड्री। हालांकि बाउंड्री ऐसे दिखेगी नहीं आपको, एग्जैक्टली बाउंड्री कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हम मान लेते हैं, जैसे पृथ्वी मान लो, ये अर्थ है आपका, ओह सर इतनी छोटी अर्थ, यार इमेजिन कर रहे हैं ना, ये अर्थ मान लिए। अब अर्थ का अगर मान लो ग्रेविटेशन देखा जाए तो एक जगह पर जाकर लिमिट होगा हो ना, इसके बाद तो ये नहीं खींच पाएगा, एक लिमिटेशन तक ही तो खींचेगा। अगर यहां पर कोई वस्तु को रख दिया जाए, क्या ये खींचेगा, नहीं खींचेगा, यहां पर रख दी जाए तो ये खींचेगा, बाउंड्री के जस्ट पास पास है। ठीक, तो इसकी लिमिटेशन कहां तक हुई, ये हुई, मतलब हम बना लेते कि एक बाउंड्री बना रहा है। जैसे आप वो तो छोड़ो, दूर की चीजें जो आप देखे हो, मैग्नेट रख दो और उसके पास लोहा लेकर जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो खींचना प्रारंभ करता है, उसके थोड़ा सा दूर रखो, खींचना बंद कर देता है, वो उसकी लिमिटेशन हुई चारों तरफ से, वो उसकी क्या कहलाई, बाउंड्री कहलाई। एग्जैक्टली बाउंड्री एग्जिस्ट की नहीं की, दिखी आपको नहीं, हमने मान लिया बाउंड्री का। ठीक, बस ऐसे। नाउ अब अगर हम चर्चा करें कि इसमें सराउंडिंग भी हो सकता है, सिस्टम तो है ही, बाउंड्री है, ठीक, ये हमारा क्या कहला, ओपन सिस्टम। अब जो हीट का एक्सचेंज होता है, मतलब एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, वो दो टर्म में हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज दो टर्म होता है, एक तो हीट के टर्म में, एक हमारा वर्क के टर्म में। मतलब जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो दो टर्म होता है, इंटरम ऑफ हीट इंटरम ऑफ वर्क, दो टाइप्स में हो सकते हैं,
दो टाइप्स में हो सकते हैं, इंटरमाफ हीट, इंटरमाफ वर्क। इसमें क्या करोगे, इसमें हीट के टर्म में भी जाएगा, वर्क के टर्म में भी जाएगा, ये चीजें आप क्लोज्ड सिस्टम में समझोगे। ये चीजें आप याद किए होगे, एनर्जी का एक्सचेंज दो टर्म में होता है, एक तो हीट एक तो वर्क। जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, बाइक में फ्यूल डलाते हो, फ्यूल बर्न होता है, जलता है, फ्यूल बर्न होने के बाद क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, वर्क भी करता है, टायर चलता है, वर्क किया बट हीट के रूप में भी वो निकलने लगता है। परफेक्ट इफिशियंस होगा तो परफेक्ट वर्क कर जाता है, हीट इंजन नहीं होता, बट हीट भी होता है, वर्क भी होता है, होता है या नहीं होता, बिल्कुल। अब आते हैं क्लोज सिस्टम, ये चीजें यहां पर काफी ज्यादा अच्छे से अप्लाई होंगी। क्लोज सिस्टम क्या कहलाया, आपने कोई भी बॉटल लाई जिसमें ढक्कन लगा हुआ था, चाय अब बाहर नहीं जा सकती, भाप के रूप में नहीं जा सकती, वो भाप के रूप में ऊपर जाएगी फिर नीचे आ गई, लेकिन चाय गर्म करके रख दो वो ठंडी हो जाएगी। मतलब द सिस्टम ऐसा सिस्टम, जरूरी नहीं है कि यही डिफिनेशन आप याद करो, आप अपने मन से याद कर सकते हो, सिर्फ आपको फील आनी चाहिए। द सिस्टम ऐसा सिस्टम इन विच जिसमें मास जो होता है नॉट एक्सचेंज, या नॉट पॉसिबल लिख लो, मास एक्सचेंज नॉट पॉसिबल या मास नॉट एक्सचेंज, एंड जो एनर्जी होती है हीट होती है, हीट एक्सचेंज होती है। ऐसे सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोज सिस्टम। ऐसे सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोज सिस्टम। जैसे ये हो गया आपका, दिस इज क्लोज सिस्टम, ये क्लोज है चारों तरफ से, बाउंड्री इसकी बनी हुई है। अब जो हमने बताया कि हीट का जो सॉरी एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, हीट के रूप में भी होता है, वर्क के रूप में होता है, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो हीट के रूप में भी होता है एंड वर्क के रूप में भी होता है। अब बताओ, हीट के रूप में होता है, वर्क के रूप में होता है, बातें यहां तक तो समझ में आ गई, हाँ सर हीट के रूप में होता है, वर्क के रूप में होता है, बट जानेंगे कैसे, कब हीट हो रहा है, कब वर्क हो रहा है, कब हीट हो रहा है, कब वर्क हो रहा है, जानेंगे कैसे। जैसे मान लो ये जो बाउंड्री है ये कंडक्टिंग होती, मान लो अगर आपकी कंडक्टिंग बाउंड्री होती, कंडक्टिंग बाउंड्री होती, समझो अगर आपकी बाउंड्री कंडक्टिंग होती तो किसका एक्सचेंज होता, क्योंकि जैसे मान लो एक सिस्टम मान लो वो कंडक्टिंग है, आप बाहर से भी हीट कर रहे हो तो अंदर का प्रोडक्ट हीट हो रहा है, अंदर कुछ रख रहे हो तो बाहर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो वो किसके रूप में एक्सचेंज होगा, हीट के रूप में एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो हीट के रूप में होगा, बातें समझ में आई। बट अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले ले तो, नॉन कंडक्टिंग बॉडी या बाउंड्री रख दें, बाउंड्री उसकी नॉन कंडक्टिंग हो तो अब ये वर्क के रूप में एक्सचेंज होगा, वर्क एक्सचेंज, बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब इसका जो एक्सचेंज होगा ये वर्क के रूप में एक्सचेंज होगा, अब ये हीट के रूप में एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि हीट के रूप में बाहर तो जा नहीं सकता, अब ये वर्क करेगा, बाउंड्री पर फोर्स लगाएगा, वर्क के रूप में इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो इसका मतलब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग चर्चा करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। लिखेंगे द सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें इन विच नाइदर मास एक्सचेंज नॉर, ना तो मास का एक्सचेंज होता है और ना ही नॉर हीट या एनर्जी, कुछ भी कर सकते हो, हीट या एनर्जी ही लिख लो, कोई बात नहीं, यहां पर जो भी लिखे होंगे, जैसे हमने हीट लिखा तो हीट लिख लो, अगर एनर्जी लिखा तो एनर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर एनर्जी या हीट वर्क कुछ भी करो, ठीक है, हीट ही लिख लो, कोई मतलब नहीं, ठीक, कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जो बाउंड्री होती है वो हमारी एडियाबैटिक बाउंड्री होती है, मतलब अब ये सिस्टम जो रखा गया, दिस इज सिस्टम
और ये जो बाउंड्री होगी ये एडियाबैटिक होगी। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या बोलता है? ऐसी बाउंड्री जिसमें हीट का आदान प्रदान ना हो सके, एडियाबैटिक है। दोस्त में जिसे आप पढ़ के आए हो यूपी बोर्ड के बच्चे, बट जो एडियाबैटिक क्या है, हीट का एक्सचेंज ना हो सके, दैट इज ए एडियाबैटिक। और ये बाहर की चीज हमारी सराउंडिंग तो है ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा आपको, सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सो नोट डाउन कर लीजिए, जो इसका नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, नोट्स जाकर जरूर देख लेना। बिना नोट्स के आप इसमें भी बना सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से। खुद का नोट सबसे अच्छा होता है, लेकिन काफी बच्चे नहीं बनाना चाहते, वो ले सकते हैं। मैं नोट्स दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी मिल जाएगी। सो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। अब हम लोग हेड डालते हैं सराउंडिंग क्या होता है एंड बाउंड्री क्या होती है। पढ़ लेते हैं सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग क्या होता है, कितने लोग बताओगे सराउंडिंग? अरे भाई, जिस पर आप बात कर रहे हो उसको छोड़ करके बाकी टोटल क्या कहलाया हमारा? सराउंडिंग मतलब सिस्टम, जिस पर आप चर्चा कर रहे हो, जिस पर आप फोकस कर रहे हो, जिसको आप मान रखे हो, कंसीडर कर रहे हो, बाकी सभी हमारे क्या कहलाए? सराउंडिंग, ठीक। The remaining part of the, लिखेंगे the remaining part of the universe, the remaining part of the universe except system known as surrounding। बातें समझ रहे हो? सराउंडिंग किसे कहेंगे? अगर हम सिस्टम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसकी बात छोड़ दें, तो जो टोटल एरिया आपका बसता है वो हमारा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। अरे भाई, ये पूरा रूम है। किसी बॉटल पर आप चर्चा कर रहे थे तो वो बॉटल को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या है? सराउंडिंग है। मतलब आप कह सकते हो सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका होता है यूनिवर्स। होता है कि नहीं होता? बॉटल की बात कर रहे थे पूरे रूम में, बॉटल प्लस पूरे रूम का एरिया बराबर एक रूम बन गया, ठीक है, ठीक है। अगर हम सराउंडिंग के एरिया की बात करें तो बॉटल का एरिया माइनस कर दो उसमें से, इट मींस दैट सराउंडिंग आपका निकलेगा कैसे? सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स माइनस सिस्टम। यूनिवर्स माइनस सिस्टम। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है, समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहां तक ना? चल, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग, तो यह निकला यूनिवर्स माइनस सिस्टम, सराउंडिंग यह निकल के आया। अब अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करें तो बाउंड्री क्या होती? सराउंडिंग हमने समझ ली, बाउंड्री क्या कहलाती? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पार्टीशन जो वाल होती है, द पार्टीशन वाल, लिखेंगे पार्टीशन वाल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पार्टीशन वाल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो पार्टीशन वाल होती है कॉल्ड बाउंड्री, वो हमारी बाउंड्री कहलाती है। बातें समझ में आई? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हमारी वाल होती है वो हमारी क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। अब बाउंड्री हो कैसे सकती है? इमेजिनरी होती है, एक रियल होती है, वो कैसे कैसे जानेंगे? बाउंड्री में भी हो सकती, क्या रियल भी बाउंड्री हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ध्यान देना। ऐसा ज्यादातर पढ़ा जाता है कि इमेजिनरी होती है, बट जो टोटल होती है रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड हो सकती है, कठोर रिजिड। एंड जैसे कांच की बाउंड्री ले लो, रिजिड होता है ना, रिजिड
या स्टील की बॉडी ले लो बाउंड्री, आप किसी भी मेटल की बॉडी ले लो, वो क्या होगी? रिजिड होगी, रियल हो सकती है, मेजर नहीं हो सकती, रिजिड फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल। आप गुब्बारा ले लो, गुब्बारे के बीच में एयर भरी है, हम एयर को क्या बोलेंगे? वो सिस्टम हुआ, गुब्बारा जो हुआ फ्लेक्सिबल हो गया, बाहर की सराउंडिंग वो फ्लेक्सिबल वाल हुई, वो हमारी क्या कहलाई? फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है, वो हमारी फ्लेक्सिबल हो सकती है। और क्या हो सकती है? वो डायाथर्मिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डायाथर्मिक, कई लोग इसके बारे में नहीं जानते, जो जानते हैं वो काफी अच्छी बात। डायाथर्मिक क्या होता है? कंडक्टिंग, याद कर लेना कंडक्टिंग, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोग डायाथर्मिक ज्यादा यूज करेंगे, कंडक्टिंग कम यूज करेंगे, डायाथर्मिक बाउंड्री कह देंगे। तो डायाथर्मिक आप समझो कैसे, डायाथर्मिक क्या है? कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग बाउंड्री को हम कहते हैं डायाथर्मिक। एंड एडियाबैटिक भी हो सकती है, एडियाबैटिक मतलब हीट का एक्सचेंज ना हो सके, वो हमारी एडियाबैटिक है, जिसमें हीट वगैरह का एक्सचेंज हो सके वो डायाथर्मिक या फिर कंडक्टिंग बाउंड्री हो सकती है। सो नोट डाउन करिए, सराउंडिंग क्या होता है एंड बाउंड्री क्या होती है, ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चले थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी पर, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी, ये क्या होती है थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी हमारी दो प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है? जैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टी किसी पढ़ते हो, वो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो, ऐसे आप थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों में अंतर क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, दोनों में क्या अंतर? सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं द प्रॉपर्टी विच डजंट डिपेंड अपॉन साइज एंड सैंपल। साइज, आप सैंपल कोई भी सैंपल लेते हो वो उसकी साइज पर डिपेंड ना करे, या फिर अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड ना करे, वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती। मतलब द प्रॉपर्टी विच डजंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सैंपल, सैंपल की साइज पर डिपेंड ना करे, एंड अमाउंट ऑफ मैटर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब समझ पा रहे हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि साइज ऑफ सैंपल पर भी डिपेंड ना करे और अमाउंट ऑफ मैटर पर भी ना डिपेंड करे, वो हमारी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब कैसे लग रहा है? इंटेंसिव जैसे इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, ना तो साइज ऑफ सैंपल पर, ना तो अमाउंट ऑफ मैटर पर, वो इंटेंसिव है। याद करने का तरीका, इंटेंसिव जैसे इंडिपेंडेंट, आप खुद पर डिपेंड करते हो, कोई आपके साथ जा रहा है नहीं जा रहा है, आप अकेले कहीं जा सकते हो, कोई आपके साथ आपका वर्क, आपके वर्क में सहायता कर आ रहा है या नहीं कर रहा है, आप खुद कर सकते हो, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो। वैसे जो ये प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव है, खुद ही डिपेंड करती, किसी पर डिपेंड नहीं करती, सैंपल पर भी डिपेंड नहीं करती, सैंपल कितना है, कि सैंपल का साइज क्या है, जैसे छोटा बॉटल है बड़ा बॉटल है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। अभी हम समझाएंगे, फील आएगा, टेंशन ना लो, धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये भी आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे एक किलो पानी ले लें या फिर पूरी बाल्टी भर के पानी ले लें, पूरा 1000 क्विंटल की कोई टंकी ले लें उसमें पानी रख दें, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, नहीं, अमाउंट ऑफ मैटर पर भी नहीं डिपेंड करता।
ठीक। बट एक्सटेंसिव में आप क्या बोलोगे, एक्सटेंसिव जो होता है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन मैटर एंड साइज ऑफ सैंपल नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये साइज सैंपल के साइज पर भी और अमाउंट ऑफ मैटर पर भी डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ सैंपल एंड अमाउंट ऑफ मैटर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब अगर हम बात करें साइज ऑफ सैंपल की एंड अमाउंट ऑफ मैटर की तो ये क्या है, इंटेंसिव है, ये डजंट डिपेंड। समझने के लिए सिंपल तरीका, डिपेंड नहीं करती। अगर हम यहां पर बात करें साइज ऑफ सैंपल मतलब कोई भी आप ले रहे हो, जैसे बॉटल ले लिए, वो सैंपल है आपका। साइज ऑफ सैंपल एंड अमाउंट ऑफ मैटर ये डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक। और हम बेसिकली समझते हैं एग्जांपल्स। नाउ हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के बारे में कि एग्जांपल्स क्या है, बेसिकली इनके कौन कौन से एग्जांपल है जो कि डिपेंड करते हैं नहीं करते हैं, टोटल समझेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल है, ध्यान देना, एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती, जैसे मान लीजिए आप वाटर ले लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में आप सभी चीजें पढ़ते हो, हाल ये नहीं है कि सिर्फ वाटर ही पढ़ते हो, ऑल थिंग्स इन थर्मोडायनेमिक्स, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजें के बारे में पढ़ लेते हो थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे कौन कौन सी ऐसी चीज जो कि साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करती और अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहला डेंसिटी लिखते चलो फटाफट से, डेंसिटी घनत्व, मैं एक एक लिखूंगा, एक एक समझाऊंगा, याद रखना। ये देखने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। क्या डेंसिटी कभी साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड करती है या अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, बताओ? मैं देता हूं आपको, ये रहा छोटा सा ग्लास जिसमें पानी रखा गया, ठीक है, और ये रहा बड़ा सा सैंपल जिसमें पानी फुल कर दिया गया। क्या इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी अलग अलग होगी, बताओ हमको, आप लोग ही आंसर दोगे, क्या इसकी और इसकी डेंसिटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी भाई, जितना छोटे से ग्लास का पानी का डेंसिटी है उतना बड़े से के बर्तन के पानी का भी तो डेंसिटी होगा, हालांकि वाटर सेम होना चाहिए बस, है कि नहीं है? आप यहां पर कुछ भी रख दो, दूसरा वाटर रखो, कुछ भी, सपोज दैट आप D2O रख दे रहे हो, यहां की सेम डेंसिटी होगी, चाहे बड़ा ले लो बर्तन चाहे छोटा ले लो। साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड किया नहीं। बात करते हैं अमाउंट ऑफ मैटर की, ये 1 किलोग्राम पानी है और ये 1000 किलोग्राम पानी, बताओ क्या डेंसिटी मैटर किया नहीं किया? डेंसिटी हमेशा इक्वल रहती है, ठीक है, डेंसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती, ठीक। दूसरा पॉइंट डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी कभी भी डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर भी, अरे भाई आप चाय बनाओ एक केतली में चाय बनाए, अब वो केतली का टेम्परेचर और तुरंत छोटी सी ग्लास में निकाल लो, टेम्परेचर तो इक्वल रहा, वो डिपेंड किया नहीं किया? आफ्टर इट आप उसे किस एनवायरमेंट में रख रहे हो तो उस पर बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन इनिशियली वो डिपेंड नहीं करता।
टेम्परेचर भी साइज ऑफ सैंपल, अरे भाई चाय डाल रहे हो एक छोटी सी ग्लास में डालो, एक बड़े से बर्तन में डाल दो, सेम टेम्परेचर की रहेगी। अब कहोगे सर बड़े से बर्तन में जल्दी ठंडी हो, वो ठंडी होने की बात अलग है यार, बट रहेगी सेम टेम्परेचर की ना, वही चीज मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रेशर, PRA रहता है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, एक सेकेंड, प्रेशर, मोलरिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन, बहुत बताएंगे अभी, कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन भाई, जितना कंसंट्रेशन छोटी सी गिलास का पानी का रहेगा, उतना कंसंट्रेशन बड़े से बर्तन का भी तो पानी का रहेगा ना, बस वही कंसंट्रेशन, मोलरिटी, 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 इतना कभी किसी ने नहीं बताया होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और बताओ मोल फ्रैक्शन और क्या होता है, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी सब पढ़ चुके हो आप लोग, नॉर्मलिटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मलिटी, मोलर एंट्रोपी, जितने भी मोलर लगा है ना सब कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, नॉर्मलिटी, और बताओ मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, और बोलो मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, और बताओ मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा, ठीक एटसेट्रा, बातें समझ में आई, पीएच वैल्यू जो होती है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब इतनी चीजें इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती हैं, आपको जनरली दो चार ही मालूम रहा होगा, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, बस मोलरिटी, ये सभी चीजें हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल की बात कर ले तो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इसके एग्जांपल्स होते हैं मास, मास, अरे भाई सिंपल है, एक छोटी सी गिलास में पानी भर दो, एक बाल्टी में पानी भर दो, दोनों का मास डिफरेंट होगा ना, साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, अरे भाई एक छोटी सी गिलास ले ले, एक बड़ी सी बाल्टी ले ले, इसका मास कम होगा, इसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि ये साइज, सैंपल का साइज बड़ा है तो उसका मास भी बड़ा, साइज का सैंपल बड़ा तो वॉल्यूम बड़ा, साइज का सैंपल का साइज बड़ा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, ये सब डिपेंड करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं, इसमें ज्यादा मैटर है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी, जैसे कि मैंने बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सभी चीजें ध्यान देनी, अगर कभी पूछ लिया गया कि हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बॉथ या फिर नन, आप कौन सा बताओगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। और एनर्जी, एनर्जी जिसे आप हीट में भी बोलोगे, वर्क में भी बोलोगे, अब कहोगे सर टेम्परेचर तो ये रहा, हीट कैसे इसमें आ गया, अरे भाई हीट चेंज टॉपिक है, टेम्परेचर टी होता है, हीट क्यों होता है, हीट क्यों होता है, ये मैटर पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर, एनर्जी जो होती है अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास, ठीक है। आप जैसे मोलर इंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी ये होता है, बट अगर हम इंथैल्पी की बात करें, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंट्रॉपी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन मोलर एंट्रोपी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लें, किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी भी हमारी क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी भी हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी, वो भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बट
मोलर इंटरनल एनर्जी जो होती है ये हमारी क्या कराती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बातें समझ में आई, फिर से समझ लेते हैं। जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि साइज ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि साइज ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमारा क्या आता है, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलरिटी, कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी और फिर हमारा मोलर इंटरनल एनर्जी, पीएच वैल्यू, ये सभी हमारी आती है इंटेंसिव में। एक्सटेंसिव में बात करें तो एक्सटेंसिव में आता है हमारा मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, हीट कैपेसिटी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, फिर हमारी एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब हमारी आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। सो नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें अगर आपकी क्लियर रहेंगी ना, तब हम बड़ी चीजें बताना चाहेंगे तो आप बता सकोगे, नहीं तो अगर हम कह दें कि स्टेट वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, सर स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी होते हैं क्या थर्मोडायनेमिक्स में, आपका आंसर ये होगा। फिर हम अगर हम पूछेंगे कुछ, ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी जीवन में, जबकि आप 11th 12th में पढ़ के आओ, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ। बेसिक से पढ़ाने का तरीका यही होता है कि बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा ना, स्ट्रांग चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। ठीक, स्टेट वेरिएबल हेड डाल लो, स्टेट वेरिएबल, इसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन भी, स्टेट फंक्शन, चाहे हम स्टेट वेरिएबल बोले, चाहे हम स्टेट फंक्शन बोले, चाहे हम इसे स्टेट पैरामीटर ही बोले, सेम है, स्टेट पैरामीटर्स। ठीक, स्टेट पैरामीटर्स, ओके, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस, स्टेट पैरामीटर, चलो शुरू करते हैं। अगर हम बताएं जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक, किसी भी सिस्टम की कंडीशन के बारे में डिफाइन करते हैं, मतलब वेरिएबल्स डिफाइन द कंडीशन ऑफ सिस्टम। जो वेरिएबल होते हैं, लिखेंगे वेरिएबल्स define the condition of जो variables होते हैं वो define करते हैं किसकी condition, condition of thermodynamic system। condition ये है कि मतलब जो भी variables होते हैं ये किसी भी thermodynamic system के condition को define करते हैं। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको। चलो कौन कौन से थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो सकते हैं, आओ देखते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं कौन कौन से, आओ देखते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर, प्रेशर हमारा क्या करता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है प्रेशर, ये डिफाइन करता है उसकी कंडीशन को। सेकंड टेम्परेचर भी डिफाइन करता है, टेम्परेचर जैसे हम टी से डिपेंड करते हैं, वहाँ पर शायद ई नहीं लगाए थे, वो थोड़ा सा गलती हो गई थी। वॉल्यूम, स्पेलिंग देख लिया करो यार आप लोग, वॉल्यूम वी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट बात करें इंथैल्पी जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंट्रॉपी, ये सभी हमारे क्या हैं, इंट्रॉपी जिसे आप यस से बात करते हो, फिर इंट्रॉपी के बाद
जिसे आप आई से रिप्रेजेंट करते हो। इंटरनल एनर्जी जनरली यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से काफ़ी जगह यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से नहीं। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी जिसे आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन सभी के बारे में आप क्लास 11th एंड 12th में पढ़ चुके हो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम टेम्परेचर बताएं, प्रेशर बताएं, गिब्स फ्री एनर्जी बताएं, टोटल इंटरनल एनर्जी बताएं, एंथैल्पी बताएं, एंट्रोपी बताएं, क्या मतलब है यार, ये सब पढ़ चुके हो ना आप लोग, टाइम जाएगा फिर, और ये फिर से जाकर देख लो, जिसको जिसको नहीं आता वो जाकर देख लो, सिंपल है, जिसको जिसको नहीं आता वो जाकर एक बार देख लो, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। 11th और 12th में बहुत अच्छे से आपके सर जी ने बताया होगा, जो भी पढ़ाते होंगे आपको 11th 12th में, ठीक। नेक्स्ट नोट नंबर फर्स्ट की बात करें, नोट नंबर फर्स्ट की बात करें कि चेंज इन वेरिएबल डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, मतलब वेरिएबल में जो चेंज आता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। चेंज इन वेरिएबल लिखेंगे, चेंज इन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, मतलब वेरिएबल में जो चेंज आता है, चेंज इन वेरिएबल, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर, ठीक। ये नोट पॉइंट हो गया, या फिर कंडीशन लिखे या फिर स्टेट लिखे, एक ही बात है, चाहे इनिशियल स्टेट या फिर फाइनल स्टेट पर, मतलब वेरिएबल्स में जो चेंज, जैसे चेंज इन प्रेशर की बात करें वो इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें वो इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करेगा, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो वो इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करता है, इसी प्रकार से, ठीक। जैसे आप चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर क्या लिखोगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, बस यही लिखते हो ना, पाथ डिपेंडेंट तो होते नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम बात करें नोट नंबर सेकेंड, इसमें जो हीट होता है, हीट जो होता है, मतलब टोटल अगर एनर्जी की बात करें, हीट एंड वर्क, जो कि हीट और वर्क के रूप में निकलता है, ये हमारा पाथ फंक्शन होता है, मतलब जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी हमारे पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इट मींस दैट ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करते हैं, और जितना हमारा हीट होता है, वर्क होता है, ये हमारा पाथ फंक्शन होता है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। बातें समझ में आई, नोट नंबर थर्ड लिखेंगे, ये सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका काफी ज्यादा रोल प्ले होता है। हालांकि बीएससी अगर आप कर रहे हो, बीएससी अगर उस लेवल की करोगे ना, तो आप जैम वगैरह आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। नोट नंबर थर्ड लिखेंगे, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। क्या कह रहा है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, स्टेट फंक्शन में चेंज जो होता है वो जीरो होता है, मतलब फाइनल और इनिशियल पर ही डिपेंड करेगा। अगर हमारा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, मान लेते हैं यहीं से चला ए पर, ये 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 और ये, चेंज इन टेम्परेचर अगर हम पूछें, मतलब डेल्टा टी अगर हम पूछें, तो वो क्या होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, डेल्टा टी हमारा जीरो होगा। इसी प्रकार अगर हम सभी चीज़ें लिख दें, मतलब डेल्टा पी यहाँ पर जीरो निकल गया, चेंज इन प्रेशर हमारा क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, मतलब कैसे, अरे भाई साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जहाँ से चले वहीं पर वापस आ जाए, जहाँ से चले वहीं पर आप वापस आ जाए, तो मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर क्या होता है, यही तो हमारा फाइनल भी निकला, यही तो हमारा इनिशियल निकला। डेल्टा टी जो निकला वो हमारा क्या निकला, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जीरो, एंड इसी प्रकार डेल्टा ई,
जीरो, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा और क्या था हमारा एच जीरो, डेल्टा यू जीरो, और कुछ बोलो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जीरो, सभी हमारे जीरो हो जाते हैं। ठीक ठीक, डेल्टा बी जीरो, वॉल्यूम भी हमारा जीरो, नोट कर लो, टेक स्क्रीनशॉट। सो बट अगर हम बात करें डेल्टा क्यू की, हीट की, डेल्टा क्यू ये डजेंट जीरो, एंड डेल्टा डब्ल्यू की बात करें डजेंट जीरो, बिकॉज ये सभी हमारे पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये पाथ पर डिपेंडेंट करता है, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। अभी तक आप ओवरकर्डन पढ़ते आ रहे हो कि जहां से आप दौड़ रहे हो, दौड़ने स्टार्ट किया वहीं पर आप खड़े हो गए, आपने जीरो ओवर किया क्योंकि W बराबर एफ एस पढ़ते थे, जितना आपने डिस्प्लेस किया, विस्थापित कितना किए। बट अब बात यह समझो कि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो डेल्टा क्यू है वो जीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब ये दोनों, ये आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, वो चीजें अब यहां पर नहीं लगेगी। डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी लगता है, वहां पर एफ एस नहीं लगाओगे, यहां पर पी डेल्टा वी लगाते हो, जब डेल्टा वी, ठीक है, एफ एस यहां पर नहीं लगता, पी डेल्टा वी लगता। आप कहोगे, कई स्टूडेंट कहेंगे डेल्टा वी जीरो तो डब्ल्यू भी जीरो, आने वाले लेक्चर्स में दिखाएंगे W कैसे जीरो होता है कि नहीं होता है, आप खुद कहोगे W जीरो नहीं होगा, लेक्चर क्या, इसी लेक्चर में आपको कंफर्म कराएंगे, वर्ग तो इसी में पढ़ाएंगे ना। टेक स्क्रीनशॉट सुन, आगे चलते हैं हम लोग, टेक स्क्रीनशॉट सुन, नोट करिए, वेरिएबल समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ो, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, वही सभी चीजें टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के प्रकार, यही हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो मेनली होते हैं, जो आपको पढ़ने हैं, वो चार प्रकार के पढ़ने मेनली, कौन कौन से, फर्स्ट हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आपका डेल्टा टी जीरो होता है, मतलब टी आ कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी हमारा जीरो हो जाएगा, तो अगर दोनों लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब आइसोथर्मल में हमारा टी कांस्टेंट रहता है, अगर T कांस्टेंट है तो डेल्टा T निकालोगे तो जीरो, ठीक, आइसोथर्मल। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आपका V कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम, इसमें डेल्टा V जीरो होता है। आइसोबारिक की बात करें, आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोबेरिक प्रोसेस कई लोग बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे सब बोला करो, ठीक है, कांस्टेंट होता है, एंड आइसोबेरिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। याद करने का तरीका, आइसोबेरिक आइसोकोरिक में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या कौन सा होगा, अरे यार बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, उसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक बचा तो उसमें वॉल्यूम होगा, बस। नेक्स्ट आया हमारा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्यों जो होता है हमारा हीट जीरो एंड हीट एक्सचेंज जीरो, ये हम पढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे। कई लोग जानते हैं क्यों हमारा कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट होता है, हीट जीरो होता है, वो चीजें हम आगे चर्चा करेंगे। बट कई बुक हीट कांस्टेंट लिखती है, ऐसा हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट गलत है, बट और अच्छी तरीके से अगर उसे एम्पलीफाई किया जाए ना, हीट जीरो चेंज इन हीट जीरो, बस, ठीक, कई लोग कांस्टेंट उसे समझते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब नहीं तो अरे सर हम तो याद तक ये पढ़ते आए हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो फालतू, तो उसे और ज्यादा अगर हम एक्सप्लेन में चले तो ये जाकर निकल के आता है, वो हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझा देंगे। एक आता है हमारा आइसोइंट्रोपी जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ चार, कौन कौन से, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा पी जीरो, डेल्टा क्यू जीरो, ठीक है, नोट करिए।
नोट करिए। अब हम बारी बारी से एक एक का चर्चा करें, ठीक है? इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आज पहले इन तीनों की चर्चा कर लेंगे। आगे बीच में हम कई चीज़ें पढ़ाएंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कारण क्या है जानते हो? कारण समझो, एक बार हम बता दें सिंपल, फिर बाद में उसका वर्कडन निकालें, तो हमें कम अच्छा लगा। हम सोचते हैं कि जब जो चीज़ें बताए तो उसके बारे में पूरा बता दें, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इसके बारे में जब चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको वर्कडन जानने के लिए आपको फिर एफ की वैल्यू होना पता होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहिए, गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप इसे निकाल पाओगे। गामा नहीं पता है, सीपीसीवी नहीं मालूम है, एफ नहीं मालूम है, आप डायरेक्ट इसे नहीं कर सकते, वर्कडन नहीं निकाल सकते। इसीलिए जो किताबों में है पहले सिंपल में दे दिया गया, उसके बाद वर्कडन बाद में दे दिया गया। आइसो थर्मल का और एडियाबैटिक का, इन सभी का वर्कडन वगैरह सिंपल है सब, बस वैसे नॉर्मल पढ़ा देते हैं बस, ठीक है? तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम तब पढ़ाएंगे जब सीपीसीवी आपको समझा देंगे, यफ समझा देंगे, वर्क समझा देंगे, हीट समझा देंगे, फिर गामा समझा देंगे आपको, तब उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप लोग हैंड डालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस हैंड डालिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हटा दें इसको, जो नहीं पढ़ना है उसको भगाओ, नहीं पढ़ना चलो अपने घर, जिस बच्चों को नहीं पढ़ना होता उसको घर भेज देना चाहिए ना। आप लोग अगर नींद आ रही हो तो आप लेक्चर बंद कर सकते हैं। अरे सर ये हमारे करियर का सवाल है। लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, जो जिम्मेदार होते हैं ना उनको नींद नहीं आएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस, नहीं तो मम्मी भी एक दो बार चाय पिलाएंगी ना नींद आ रही होगी, उसके बाद फिर कौन सी चाय मिलती है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो आसपास अगर आपकी मम्मी होंगी ना तो अभी से चालू कर देंगे, फिर एक दो बार पिलाएंगे अगर फिर भी नींद आ रही है फिर निपट ना। इसीलिए मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि सजग हो जाओ, सुधर जाओ, नींद नहीं आनी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? देखो होता क्या है, जब 3 घंटे का लेक्चर अगर आप देखते हो तो नींद तो आनी है, लेकिन 3 घंटे की मूवी देखते हो कभी नींद नहीं आती ना, पूरी मूवी भरी क्या हो रहा है, चार चार पाँच पाँच घंटे छः छः घंटे बैठ के मैच देखते हो कभी नींद आई नहीं आती, आएगी भी नहीं, लेक्चर देखते वक्त सबको नींद आती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टी हमारा कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी हमारा 0 रहता है, सिंपल चीज लिखेंगे इसमें, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नोन एज वो हमारा क्या कहलाता है, नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस वही हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। फार आइडियल गैस के लिए अगर लिखें इसके मतलब यही था टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट रहता है एंड डेल्टा टी 0 हो जाता है बस। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV=nRT होता है कि नहीं होता, PV=nRT जब टी हमारा कांस्टेंट है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट, तो ये तो ऑलरेडी हमारे कांस्टेंट है, तो हमारे क्या निकला, PV हमारा कांस्टेंट निकला PV=कांस्टेंट। जब PV हमारा कांस्टेंट निकला तो हम कह सकते हैं कि P1V1=P2V2 कब, आइसोथर्मल के लिए, ये याद रखने क्या बात, सिंपल आ जाएगा। आइडियल गैस के लिए P1V1=P2V2 हम डायरेक्ट फार्मूला ये लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, P1V1=P2V2। अब इसके लिए हम टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लें, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हालांकि हम आगे और बढ़िया से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हीट कैसे निकालते हैं, आगे चल के हम इंटरनल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, बट छोटा सा टॉपिक है समझ लो। टोटल इंटरनल एनर्जी अगर इसके लिए निकालें, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी अगर हम निकालें, यू की वैल्यू जो होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी यू,
यू बराबर क्या होती है बताओ, या डेल्टा यू निकालोगे, टोटल इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलोगे, एन सी वी डेल्टा टी, ये याद रखना। जैसे हम सी पी और सी वी की बात करेंगे तो उसके लिए क्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है, सी पी की बात करेंगे तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाता है, एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो एन सी वी डेल्टा टी हो जाता है, बट डेल्टा यू ऑलवेज यही होता है, यही हमेशा ये फार्मूला, चाहे आप कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करो चाहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करो, हमेशा डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होती है। तो आप क्या रखोगे, डेल्टा टी जीरो, मिला क्या, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लो, हालांकि आगे हम बताएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस थोड़ा सा टॉपिक है समझा दे रहे हैं, फ्रॉम ये थोड़ा सा याद कर लेना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आगे बताएंगे यार, याद कर लो थोड़ा सा, थोड़ी देर सब्र कर लो, एक घंटे की तो बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू अगर हमारा जीरो हो गया तो क्यू बराबर क्या आया, डब्ल्यू, मतलब जो डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी वही हमारी क्यू की वैल्यू निकलेगी, वही हमारी क्यू की वैल्यू निकलेगी। अब चलो डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं, आपने इंटरनल एनर्जी निकाल ली, आपने हीट निकाल ली, अब डब्ल्यू निकाल लो तो हीट की वैल्यू भी मालूम चल जाएगी, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, मालूम चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है, आगे बताएं, समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत अच्छी बात, समझ में आना चाहिए। एक नोट पॉइंट है, लिख लो थोड़ा सा, एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो कई लोग सोचते हैं कि परफेक्ट आइसोथर्मल कब हो सकता है, मतलब चेंज कभी भी टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, जैसे कुछ भी आप कोई भी रख दे रहे हो, मान लो कुछ भी लिक्विड मान लो, उसका टेम्परेचर आपने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि 100 साल बाद भी वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहे या 99. कुछ से डिग्री सेल्सियस रहे, तो ऐसे होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, वो चीजें देखते हैं। फॉर परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस लिखेंगे, फॉर परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस, परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए द प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, द प्रोसेस should be extremely slow, जो प्रोसेस होना चाहिए वो एक्सट्रीमली स्लो होना चाहिए, याद रखना। मतलब परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा, जब प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो होगा। अब इसका स्लोप दिखा दें, ग्राफ दिखा दें, तब समझ जाओगे बिल्कुल। परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्लोप होगा वो क्या होगा, मतलब प्रोसेस होगा वो एक्सट्रीमली स्लो होगा। इसका स्लोप देख लो एक बार, फिर वर्क डन निकालते हैं। स्लोप क्या निकला पीवी कर्व के लिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर हम इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएटिंग, वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, डी पी वी इज इक्वल टू जीरो, यही तो निकलेगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, डी पी वी करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन ई डेल्टा वी प्लस सेकेंड फंक्शन, या डी वी लिख सकते हो कोई बात नहीं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो, पी डी वी इक्वल टू वी डी पी, क्या निकल के आया, वी डी पी यहीं पर रहने दो, पी डी वी को उस साइड भेज देंगे, माइनस पी डी वी निकल के आया, या फिर हम अगर डी पी अपान डी वी की बात करें तो क्या निकला, माइनस पी अपान वी, ये इसका स्लोप निकला, माइनस पी बाई वी, स्लोप आ गया माइनस पी बाई वी, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, यस गाइज, हाँ या ना, स्लोप आप पीवी कर्व समझ में आया। अब हम बात करते हैं वर्क डन की, एक एक टॉपिक सबको समझ में आएगा, कोई भी टॉपिक अगर छोड़ गया है ना, कसम से बता रहा हूँ फिर से समझा दूंगा एक बार पूरा लेक्चर, लेकिन शर्त यह है कि एक भी टॉपिक मिस होना चाहिए,
होगा ही नहीं यार, आप देखो तो सही, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। वर्गडन कैसे निकालते हो बताओ, वर्गडन कैसे निकालते हो बताओ। मान लिया इनिशियल वॉल्यूम वी वन मान लिया, फाइनल वॉल्यूम वी टू मान लिया, तो वो बात की बात है। ठीक, चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर हम वर्कडन निकालेंगे, डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी होता है ना, पी डी वी। अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक, वी वन से वी टू तक। डी वी मतलब चेंज इन वेलासिटी, चेंज इन सॉरी वॉल्यूम, वेलासिटी कर दोगे फिर तो हो गया सत्यानाश। वॉल्यूम क्या है वी वन से वी टू, वी वन क्या है इनिशियल वॉल्यूम, वी टू क्या है फाइनल वॉल्यूम। वी वन स्टैंड फॉर इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। वी टू स्टैंड फॉर फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, स्टैंड फॉर फाइनल वॉल्यूम। डब्ल्यू बराबर वी वन वी टू पी डी वी, ठीक है। अब चलो इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बातें समझ में आई। डब्ल्यू बराबर वी वन से वी टू पी डी वी 100% क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया। चल अब अगर हम इसे चेंज करें, क्या इसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, बट अभी हम बताएंगे तो कर लोगे। W बराबर ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा गया भाई, इतना हमने समझाया उसके बाद ये भी लिखना है बस यही। W बराबर पी डेल्टा वी है ना, हम जानते हैं क्या होता है पी वी इक्वल टू, क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर हम यहाँ से पी वी की पी की वैल्यू निकालें तो एन आर टी बाई वी यहाँ पर आ जाएगा, एन आर टी बाई वी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पी की जगह पर, एन आर टी बाई वी। यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वन से वी टू एन आर टी बाई वी इंटू में डी वी। वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन अपान वी का ही डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा, एन आर टी तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट हो गया। एन आर टी वी वन से वी टू वन अपान वी डी वी, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है तो वन अपान वी का लॉग भी हो जाएगा, तो एन आर टी लॉग वी कहाँ से कहाँ तक, वी वन से वी टू तक। क्या हो जाएगा एन आर टी फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम लॉग वी टू माइनस लॉग लॉग वी वन। लॉग वी टू माइनस वी वन मतलब क्या समझ रहे हो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपान बी हो जाएगा, एन आर टी इंटू में लॉग ए अपान में बी, ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपान बी, लॉग वी टू बाई वी वन। ये निकला वर्कडन, डब्ल्यू बराबर एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम। अब इसी की चीज को अगर हम चेंज करना चाहें, इसी बात को अगर हम चेंज करना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं, एन आर टी को हम लिख सकते हैं पी वी के टर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ एन आर टी को हम पी वी के टर्म में भी लिख सकते हैं, यस कैसे। डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं पी वन वी वन लॉग वी टू बाई वी वन, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि पी वी बराबर एन आर टी होता है। अगर हम पी वन वी वन की बात करें फिर भी एन आर टी के बराबर आएगा। W बराबर हम लिख सकते हैं P2 V2 log V2 by V1, कोई सा भी लगा लो। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए यहाँ पर ये देखो दिया गया है, आइडियल गैस के लिए ये P1 V1 equal to P2 V2 equal to, अगर हम पी वी मान ले हमारा एन आर टी बराबर नहीं होता, बिल्कुल होता है। P1 V1 equal to P2 V2 equal to PV equal to NRT, NRT जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या फिर PV भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी लिख सकते हैं हम W बराबर PV log V2 by V1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अभी और फार्मूले हम आपको बताएंगे, इतने पर ही बस नहीं होगा, अभी बहुत फार्मूले बताएंगे। अभी और देखते हैं, अगर ये log v2 by v1 है, अगर हम इसे p के टर्म में बदल दें तो एक तो हम जानते हैं सिंस pv इक्वल टू nrt होता है, pv इक्वल टू nrt होता है, t हमारा कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट pv इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर p इक्वल टू वन अपान v मान लेते हैं, p इज प्रोपोर्शनल टू वन अपान v मान लो, एक ही बात है ना, इसे मान लेते हैं p इज इक्वल टू वन अपान v। इट मीन्स दैट आप ये बताओगे, अरे भाई अगर यहाँ से भी नहीं मानते हो कोई बात नहीं, कई स्टूडेंट होते हैं कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे, नहीं सर हम नहीं मानेंगे, जो इंटीग्रल लगाए हो आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसको हटा कुछ कांस्टेंट लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, मेरी नहीं मर्जी है, मैं यही सॉल्व कर दूंगा, पी वन ए वी वन इक्वल टू पी टू वी टू,
ले लो P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है। P1V1 इक्वल टू P2V2 है, हम इसे अगर लिखेंगे P1 बाई P2 V2 बाई V1, जहाँ V2 बाई V1 है वहाँ पर P1 बाई P2 लिख सकते हैं। हम क्या लिख देंगे, W इज इक्वल टू NRT log V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2, एक फार्मूला ये निकल के आया। या फिर W इक्वल टू P1V1 इंटू में log P1 बाई P2, एक फार्मूला ये निकल के आया। W इज इक्वल टू P2V2 log P1 बाई P2, एक फार्मूला ये निकल के आया। W इज इक्वल टू PV log P1 बाई P2, एक फार्मूला ये निकल के आया। आया ना समझ में, इसे कहते हैं डीप नॉलेज। आप लोग अगर गहराई से पढ़ोगे हमें पढ़ाने में भी आनंद आएगा। नोट कर लो फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, फिर उसके बाद हम समरी सुनाएं इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग कुछ सुनाएं इसके आगे। टेक अ स्क्रीनशॉट सुन। आया समझ में, हटाएं, बोलो हटाए इसको। बहुत अच्छा, मतलब अगर ओवरऑल हम एक शॉर्ट नोट की बात करें, शॉर्ट नोट एक पीछे शॉर्ट नोट बना ही लिया करो। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस आप देखोगे तो इतना बड़ा चीज नहीं लिखना पड़ेगा, एक बोर्ड हमने भरा, दो तीन पेज आप लोग भरोगे, तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट में एक छोटी सी चीज होनी चाहिए, जैसे आप मान लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो उसके बाद डायरेक्ट वही चीजें देख लोगे ना, तो ये चीजें कन्फर्म होनी चाहिए। जैसे पहली चीज, एक एक पॉइंट मैं समझा देता हूँ क्या चीजें आपने पढ़ा अभी तक आइसोथर्मल के लिए आपने पढ़ा क्या आइसोथर्मल के लिए, इसे सभी के लिए हम बताएंगे। आइसोथर्मल के लिए आपने पहली चीज पढ़ा कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी हमारा जीरो होगा, पहली चीज आपने पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आइडियल गैस के लिए आपने पढ़ा था, आइडियल गैस के लिए P1V1 इक्वल टू P2V2, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और एक चीज पढ़ा था कि P इज प्रोपोर्शनल टू द 1/V ना, यही चीज तो आई थी हमारी ना, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V या P इज इंटी प्रोपोर्शनल टू द V। नेक्स्ट और आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था परफेक्ट आइसोथर्मल के लिए यहाँ पर फार लगाना उचित रहेगा, फार परफेक्ट आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो। प्रोसेस जो होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, एक्सट्रीमली स्लो मतलब बहुत स्लो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पीवी कर्व जो हम दिखाए थे वो शायद यहाँ पर बना दे रहे हैं, टेंशन ना लो, वो वहाँ पर बनाना भूल गए थे। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ पीवी कर्व आपने क्या देखा, स्लोप ऑफ पीवी कर्व ये आपने देखा कि जो डेल्टा पी या dP अपान dV आया था वो क्या आया था, माइनस पी बाई वी, यही मिला था, dP बाई dV इक्वल टू -P/V, याद करो यही मिला था ना। इसका जो कर्व मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, पी वी ग्राफ, ये प्रेशर होता है इन ATM, वॉल्यूम होता है इन लीटर, ठीक है। ये ग्राफ जो मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है, बहुत स्लो होता है, और जो एडियाबेटिक मिलेगा उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, ऐसे बहुत फास्ट होता है ये इसके लिए, ठीक है। अभी हम कंपैरिजन भी दोनों में करेंगे, एडियाबैटिक और वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए ग्राफिकली कंपैरिजन भी होगा, कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चंस भी देंगे उस पर, डोंट वरी। इसके लिए आइडियल गैस के लिए क्या देखे थे, आइडियल गैस के लिए आपने देखा था कि जो डेल्टा यू आया था वो जीरो आया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो क्यू आया था वो डब्ल्यू के बराबर आया था, डब्ल्यू आया था आपका एन आर टी लॉग P1 बाई P2 इक्वल टू NRT लॉग V2 बाई V1 इसके बराबर आया था, ठीक, क्योंकि क्यू जो था वो हमारे W के ही बराबर था। और आपने कुछ देखा
वर्क डन के कई हमने फार्मूले रखे वहाँ पर, वो चीज़ हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट फार्मूला है आपका वर्क डन, W इज इक्वल टू एन आर टी लॉग V1 इज इक्वल टू एन आर टी लॉग P1 by P2। हालांकि चेंज करके आप काफ़ी सारे फार्मूले निकालोगे, ऐसा तो है नहीं, बहुत फार्मूले निकालोगे, बट होता एग्जैक्टली यही है, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीन शॉट्स हो। आया समझ में सबको, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब हम बढ़े आइसोकोरिक पर, नेक्स्ट स्टडी है आपकी आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, हैंडलिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका वर्क डन वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता, पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट नोन एज, वो हमारा क्या कहलाता है, नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस, वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। जैसे डेल्टा, जैसे आपको कहा गया वी जो होता है हमारा वो कॉन्स्टेंट रहता है, वी कॉन्स्टेंट होगा तो डेल्टा वी हमारा जीरो हो जाएगा, यही चीज़ बोला जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस इसमें क्या होता है, द प्रोसेस आइसोबारिक है तो उसमें क्या होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो होता है वो हमारा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस, नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस, वो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट, प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चलें, बहुत अच्छे। टेक स्क्रीन शॉट्स ऑन। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे, क्योंकि इस पर वर्क डन वगैरह पूछा नहीं जाता इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें हम, एडियाबेटिक को आप रिमेन छोड़ दीजिए, एडियाबेटिक को हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे और हीट पढ़ लेंगे, वर्क पढ़ लेंगे, सीपी पढ़ लेंगे, सीवी पढ़ लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेंगे, गामा पढ़ लेंगे, इन सभी के बाद ही बता पाएंगे और तभी आप समझ भी पाओगे। बताने को हम बता दें कि ऐसा हो जाएगा, फिर कहोगे सर पता नहीं क्या बता गए। अगला जो पॉइंट हमारा आता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा पॉइंट है बस समझना आपको पड़ेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो कई लोग ये कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता जाता है, नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम उसे नहीं कहते, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे जब ऑल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारी कॉन्स्टेंट रहती है, वो समय के साथ चेंज नहीं होती, तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, सिर्फ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वो भी हम बता रहे हैं, टेंशन ना लो। व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होता है कि व्हेन ऑल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कौन कौन सी हैं, लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया और मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड डजंट चेंज विथ टाइम, एंड डजंट चेंज विथ टाइम और वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, तब वो सिस्टम, देन द सिस्टम
विल बी इन इक्विलिब्रियम, तब वो सिस्टम हमारा किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। जो चीजें आप पढ़ते हो कि टेम्परेचर सिर्फ हमारा कांस्टेंट होता है, उसके लिए कंडीशन है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम अगर हमारा है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, एडियाबैटिक, या आप कह सकते हो एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है ना, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम में तब आप कह सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर वो हमारा जीरो होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, समझा इसको। अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब वो हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि आइसोलेटेड कंडीशन दे दी गई, आइसोलेटेड में ऑलरेडी प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास सब कांस्टेंट ही रहते हैं, ये दे दिया गया आइसोलेटेड। आप कहोगे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, तब सही है, फॉर ए सिस्टम बोल दोगे, अगर ये आइसोलेटेड नहीं लगाओगे तो पूरा बोलना पड़ेगा, यही चाहिए, सही है। अभी तक आप लोग ऐसे डायरेक्ट पढ़ते आए थे, अंतर समझ नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, नोट करिए फटाफट से, फिर हम चलते हैं जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स पर। हिंडा लेंगे जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होता है, जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स, शायद लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और स्टूडेंट्स बोर भी हो रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि हम जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स के बाद इंटरनल एनर्जी, हीट वगैरह अगले लेक्चर में कर देते हैं, क्या बात है, 3 लेक्चर बना लेंगे। देखिए होता क्या है कि आपको हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हम 4-5 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं, हैबिट है अपनी, बट आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, 4-5 घंटे का लेक्चर देखोगे ना तो आपको मन नहीं करेगा, ऐसा भी होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि अरे सर बस 1.5 घंटा काफ़ी है, 2 घंटा काफ़ी है, मैं 4-5 घंटे आराम से 6 घंटे पढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार पढ़वाओ, मैं पढ़ा दूँगा, शाम 6 बजे तक लगातार पढ़वा लो, पढ़ा दूँ, बस पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, एनर्जी में कमी नहीं पाओगे, बट आपके अंदर भी एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लास्ट टॉपिक हम इसी पर करते हैं, डोंट वरी स्टूडेंट घबराओ ना, अगला हम फिर से एक बड़ा सा 2 घंटे का लेक्चर ले लेंगे। जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ध्यान से समझिएगा, इसके अनुसार जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार मान लो कोई सिस्टम है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, इसके अनुसार जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अगर हमारा इफ टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी है, इट मींस दैट इसका और इसका टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी है, इट मींस दैट इसका और इसका टेम्परेचर बराबर है, देन तब टेम्परेचर ऑफ बी जो होगा वो सी के बराबर होगा, टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टेम्परेचर ऑफ सी, सेकेंड लाभ जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। इसको अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, द जीरोथ लाभ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू टू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब
दो हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, ईच इन थर्मल, जैसे ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ईच इन इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, विथ ए थर्ड सिस्टम, मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसमें दो आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तीसरा भी इक्विलिब्रियम में है, बातें समझ में, मतलब ये इसके इक्विलिब्रियम है, थर्ड सिस्टम, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ईच अदर, इट मीन्स दैट अगर टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी है, यही टेम्परेचर ऑफ ए हमारा टेम्परेचर ऑफ सी है, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टेम्परेचर ऑफ सी नहीं है, यही है इसका स्टेट, यही है टेम्परेचर ऑफ ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो बी भी हमारा सी के बराबर होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अब हम इंटरनल एनर्जी, हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, अगर पढ़ाने लगेंगे एक साथ कवर करेंगे तभी दो घंटे का लेक्चर और बनेगा, तो वो चीज़ें हम सोच रहे हैं तीन लेक्चर बना दें ताकि स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकें और देख सकें। सो टेक स्क्रीनशॉट सून, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।